नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, भारत की गंदी राजनीति का ही ये फल है कि आज देश के अंदर रहने वाला बहुसंख्यक समाज खुल करके नहीं रह पाता। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी भारत के अंदर रहने वाला बहुसंख्यक समाज भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज से डर कर ही रहता है। दोस्तों, अक्सर भारत की गंदी राजनीति के कारण इस बात को कहा जाता है कि भारत के अंदर तो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है और खास तौर पर भारत के अंदर रहने वाले शांति प्रिय समुदाय इस बात को कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, जहां पर हिंदुओं को मुसलमान का डर दिखाया जाता है। तो मैं उन भारत में रहने वाले सभी शांति दूतों से इस बात को पूछता हूँ कि आखिरकार अगर भारत के अंदर इस तरह की राजनीति होती है तो फिर मुझे इस बात को बताओ कि आखिरकार ब्रिटेन के अंदर आज लोग वहाँ पर रहने वाले शांति दूतों से आज़ादी क्यों चाहते हैं? क्यों आज ब्रिटेन की जनता इस बात की मांग कर रही है कि ब्रिटेन के अंदर आने वाले अप्रवासी मुस्लिमों को पूरी तरह से रोका जाए? आखिरकार क्यों डेनमार्क अपने देश में शांति दूतों को लेकर के इतना चिंतित है? आखिरकार इटली क्यों अपने देश के अंदर आज एक भी मस्जिद नहीं बनने देना चाहता और साथ ही साथ ना ही अपने देश के अंदर मुसलमानों को रहने के लिए नागरिकता देना चाहता? दोस्तों, आखिरकार क्यों आज दुनिया के अंदर मुस्लिम लोगों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है? क्यों आज पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो रही है? आखिरकार क्यों जर्मनी के लोग अब खुल करके इस्लाम की बगावत कर रहे हैं? आखिरकार क्यों स्विट्जरलैंड ने अपने देश के अंदर बुरके पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? आखिरकार चीन क्यों अपने देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों को धार्मिक आज़ादी नहीं देता? आखिरकार क्यों चीन ने अपने देश में पूरी तरह से इस्लामिक पहचान को बदल करके रख दिया? जो लोग इस बात को कहते हैं कि सिर्फ भारत के अंदर ही हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, उन लोगों को आज पूरी दुनिया को ढंग से देखना चाहिए और ख़ास तौर पर यूरोपीय कंट्रीज़ को, जहां पर आज के समय में मुस्लिम लोगों को लेकर के कई तरह के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि आज के समय में पूरी दुनिया इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहाँ वहाँ पर शांति नहीं रह पाती। जहां जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां वहां पर आए दिन दंगे और फसाद होने लगते हैं। जहां जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां वहां पर रहने वाले मूल लोगों की आबादी पूरी तरह से खत्म होने लगती है। आज के समय में अगर देखा जाए तो दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर उन्हें अपने देश को सुरक्षित रखना है तब उन्हें अपने देश के अंदर इस्लामिक गतिविधि और मुस्लिम लोगों की आबादी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो भविष्य में उनका देश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही कारण है कि फ्रांस ने जिन लाखों मुस्लिम अप्रवासी लोगों को अपने देश में शरण दी, उन्हीं लाखों अप्रवासी मुस्लिम लोगों ने फ्रांस को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने वहां पर रहने वाले अप्रवासी मुस्लिम लोगों के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए और साथ ही साथ कठोर कार्रवाई की। दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है और साथ ही साथ आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।